वाहे गुरु। खाट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लख बदरो सुने, जो काल कृपा कराए। वाहे गुरु साहिब जियो, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वज है नाद, आप नाथ नथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साद, संजोग विजोग तुए कार चलावे है, लिखे आव है पाग, आदेश तिस आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, आदेश तिस आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरसंगत जीओ, आपां सरबत गुरु कीआं संगतां पावन अमृत वेले आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जोड़ मिल बैठ करके सतगुर साहिबान जी का जस सुनन दे लई वडियाई करन दे लई जतनशील हो रहे हैं। सतगुर साहिबान जी साढ़े गुरसिखां दे उपर बड़ी महान कृपा करदे ने, जो इस भयानक कलयुग दे अंदर सानू अपनी निघी प्यारी इस सतसंगत रूपी गोद दे अंदर बिठा करके अपना जस करवाउण दा सानू बल बख्शदे हन। सो कल जिवें आपां श्री दमदमा साहिब दे पावन इतिहास दी जो विचार आप संगतां दे नाल सांझी कीती सी, उस तो अगे जो पावन इतिहास श्री दमदमा साहिब दा है कि जदों पावन स्वरूप भाई मनी सिंह जी ने
लिख करके और श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लिखवा करके संथ्या करवा के कथा करन तो बाद जदों भोग पाए गए ते उस समय मुख रूप दे अंदर जिहड़े हड़ताली सिंह सन उन्हां ने ये पावन संथिया सुनी ते नाले कथा विचार सुनना कीती सी। उन्हां दे विचों दो भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह जी सन ते जिन्ने भी जिहड़ियां कलमां सी स्याही सी बची हुई वो सारियां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक जगह इकट्ठिया करवा रहे सन जो पावन स्वरूप लिखण वेले जिन्हां कलमां दे नाल जिस स्याही दे नाल पावन पवित्र गुरबाणी लिखी गई सी उन्हां नूं एक जगह ते सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इकट्ठिया करवाया होया सी। संपूर्णता तो बाद जिथे अज गुरद्वारा लिखणसर साहिब है आप जी सारे नाम तो जानते ही हो कि जिस जगह ते देग बनाउंदे ने जां दिंदे ने देग उस जगह जांदियां होयां सज्जे बन्ने जिहड़ा गुरद्वारा साहिब है गुरद्वारा लिखणसर साहिब इस जगह दे उपर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हां कलमां दा जिहड़ा संस्कार सी उह करवाया सी ते नाले वर दित्ता सी कि कोई भी गुरसिख प्यारा भावना दे नाल सरोवर दे विच इशनान करके इस जगह ते गुरमुखी 35 अखरी लिखेगा ते उस दी विद्या दे विच जिहड़ा वाधा है वह होवेगा। इसलिए आप गुरसिख संगतां जदों भी परिवारां बच्चियां दे समेत उस जगह जावो ते बड़े प्रेम भाव दे नाल श्रद्धा भावना दे नाल उत्थे जिहड़ी गुरमुखी 35 अखरी है ये जरूर लिख के आया करो। गुरमर्यादा यही है आम करके उत्थे अज कल जिहड़ियां फट्टियां रखियां होईयां ने पर जिहड़ी पिछों चली आ रही मर्यादा है कि रेते दे उपर जिहड़ी 35 अखरी है वह लिखनी ज़्यादा लाभकारी है। सो इस प्रकार वह गुरद्वारा साहिब है लिखणसर साहिब 35 अखरी लिखण तो बाद सतगुरां दे चरण कमलां पास अरदास बेनती करनी कि वाहेगुरू जीओ जिथे आप जी ने संसार दे अंदर विचरण दे लई होर पढ़ाइयां दी बख्शिश कीती है उत्थे ए आप जी दे मुखार बिंद तो उचारण होई गुरमुखी दा जिहड़ा दान है गुरमुखी दी जिहड़ी सिखलाई है ये भी जरूर दिओ जिस दे नाल असी आप जी दी गुरबाणी दा पाठ कर सकीए जिस दे नाल असी गुर इतिहास नूं पढ़ सकीए साडे बच्चे गुरमुखी भी नाल पढ़न ये उत्थे अरदास बेनती करन दे नाल गुरु साहिबान जी अंग संग सहाई हुंदे आ। सो ये दूसरे गुरद्वारे का इतिहास आपां अज विचारिया है इस तो अगे जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी पावन विचार सिद्धां दे नाल करदियां होया उचार रहे ने सिद्धां ने सतगुरु साहिबान जी नूं आखिया सी कि आवो श्री गुरु नानक देव जी तुहानूं जोगी बना दिंदे आ जोगियां दा नाथ जोगियां दा मालक प्रधान बना दिंदे आ
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਿੱਪੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੰਡ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਚੂਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਡ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨਾਥ, ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਸਤ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਚੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਦਇਆ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਇਆ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜ ਹੈ ਨਾਦ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਜ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪ ਨਾਥ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ, ਦੁਵੈਸ਼, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ,
इस दा मतलब की हुंदा है? खाला दा मतलब हुंदा है मासी, जिन्हों आपां साडे माता जी दे जिहड़े भैण हुंदे आ मासी, किसी भाषा दे विच उस मासी नूं ही खाला किया जांदा है। ते एक जिहड़ी माँ हुंदी है ते माँ दी जिहड़ी भैण दे नाल साडा बहुत प्यार हुंदा है, क्योंकि वह भी साढ़े दूसरे मां समान होंगे आ। चलो अज गल वक्री है कि समझन मात्र है कि वह जिमें असी मासी दे घर जा के किसी भी प्रकार का उपरा महसूस नहीं करते, वह भी सानू अपना ही घर लगता होंगे, तो मासी उस लाड प्यार दे नाल सानू सब कुछ खवाउंदी होंगी है। पर इत्थे एक गल है कि जिमें कोई औखा काम होवे जेड़ा साढ़े कोल ना हो सकता होवे, उदों फिर ये शब्द वरते जाते हैं कि ये खाला जी का वाड़ा नहीं, भी यह कोई मासी का घर नहीं कि इतों इतने मूँह मंगी चीज़ मिल जाएगी। उस प्रकार ये जेड़ा परमेशर नूं पाउणा ये खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये तो बड़ी किते परमेशर वाहेगुरू की गुरु साहबान की कृपा होवे फिर किते प्राप्ति हुंदी है, क्योंकि जिवें आपां नूं बीमारी तो बचण दे लई दवाई खाण दे नाल नाल परहेज बहुत जरूरी है, उसे प्रकार नाम जपण दे नाल नाल गुरबाणी पढ़न दे नाल नाल गुरु की संगत करनी, गुरु प्यारियां दी संगत करनी बहुत जरूरी हुंदी है, जिथों सानू पता लगदा है कि असीं केड़े केड़े कर्म नहीं करने, जिथों सानू ये गल्लां दी प्राप्ति हुंदी है कि केड़े कर्म असीं करने ने ते केड़े छड़ने आ। सो इस लई सतगुर साहिबान जी बचन उचारदे ने कि रिद्ध सिद्ध अवरा साध, कि ये जेड़ा रिद्धियां सिद्धियां दियां शक्तियां दे विच जेड़ा उलझना है इन्हां नूं वरतना जेड़ा है ये होर साध है, भाव ये सानू धारण इस दे अंदर उलझना सानू नहीं चाहीदा। संजोग विजोग दोए कार चलाव है लेखे आव है भाग। सिद्ध सतगुरां नूं आखण लगे कि साढ़े जोग मत दे विच सारा प्रबंध चलाउण वाले दो मनुख हुंदे आ, एक कुठारी ते एक भंडारी हुंदा। तुसीं जिहड़ा मत ये शुरू कीता है इस दे विच जिहड़ा कुठारी है, कुठारी समझण दे लई इदां कह लो कि जिहड़ा सब वस्तुआं दा प्रबंध करदा है, जिवें भोजन पानी दाल पानी लियाउणा होर वस्तुआं लियाउणियां इह कुठारी दा काम हुंदा है। तो भंडारी उसनूं कहा जाता है जिहड़ा अगे प्रशादा पानी बनाउंदा है परोसदा है सब नूं वरताउंदा है, वह जिम्मेवारी भंडारी दी हुंदी है। तो सतगुरां नूं आखण लगे कि जिवें साढ़े मत दे विच कुठारी सब वस्तुआं दा प्रबंध करता है ते जेड़ा भंडारी है वह अगे वस्तुआं नूं भोजन नूं वरताउंदा है, इदां तुहाडे मत दे विच कुठारी ते भंडारी कौन है? सतगुरु जी आखण लगे कि संजोग विजोग दोए कार चलाव है, कि यह जेड़ा प्रारब्ध दे अनुसार जेडे मिले हुए पदार्थां दा जेड़ा संजोग है यही साडा कुठारी है, जेडे असी फलां नूं जेड़ियां असी चीज़ां नूं भोग रहे हाँ ये साडी जेड़ी प्रारब्ध रूपी जेड़ा संजोग है यही साडा कुठारी है। ते दूसरा जेड़ा विजोग कर्मां दे अनुसार जिन्हां चीज़ां तो सानू साडा विछोड़ा हुंदा है, जेड़ियां वस्तुआं सानू प्राप्त नहीं हुंदियां, जिहड़ियां चीज़ां असीं वंड दिंदे आ जां साडे कर्मां दे अनुसार वह सानू प्राप्त नहीं हुंदियां, यही साडा विजोग है यही साडा भंडारी है।
असी सब वस्तुआं जिहड़ियां मिलियां ने उन्हां नूं ही कुठारी बनाया होया ते जिहड़ियां सानूं कर्मां दे अनुसार नहीं मिलियां उन्हों ही असी भंडारी बनाया होया ते यही जिहड़े संजोग ते विजोग ने ये साडे जीवन दी साडे संसार दे मनुखां दी जिहड़ी कार है कम कार ने उस नूं चलाउणा करदे हन। लेखे आवे है भाग ते साडे लिखे हुए लेखां दे अनुसार ही जिहड़ा भाग है शांदा जिस नूं आखदे हां जिहड़ा वंडे आउंदी चीज़ है ये सानू प्राप्त होना करती है। आदेश तिसै आदेश सतगुरु जी आखन लगे कि असी सिर्फ परमेश्वर वाहेगुरु नू ही मन बाणी शरीर करके जिहड़ी नमस्कार है वो करना करते हाँ। आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस ओ वाहेगुरू जी आद ने सब दे मुढ़ रूप ने सब नू पैदा करन वाले ने ते अनिल अनिल दे अर्थ विद्वान करदे ने। पहला अर्थ है गिणती तो रहत है परमेश्वर वाहेगुरू किसे गिणतियां मिणतियां दे विच नहीं आ सकता। जां अनिल दा अर्थ है कि रंगां तो रहत है जिवें संसार दे अंदर कई प्रकार दे रंग हुंदे है पर वह परमेश्वर वाहेगुरु दी जिहड़ा स्वरूप है मूर्त है वह रंगा तो भी रहत है। जां अनिल दा अर्थ हुंदा है कि जिहड़े कलंक ने उन्हां तो भी परमेश्वर वाहेगुरु रहत है उन्हां दे अंदर जिहड़े पाप पुन दे जिहड़े कलंक ने वह नहीं लगे हुए। ते अनाद सब दा मुढ रूप है भाव वो सारिआं नूं पैदा करन वाला है पर उस दा आप अनाद है भाव आद अंत तो रहत है। ते अनाहत अनाहत जिवें असीं समें अनुसार एक दिन नाश हो जाना है पर वह जिहड़े वाहेगुरू जी हन वह अनाहत हन नाश तो रहत हन उन्हां नूं ये जिहड़ा समें दा प्रभाव है इत्थे विचार करनी बहुत जरूरी है कि जिहड़ी मनुख दी मौत है ये कदों हुंदी है कि उदों साह मुक्कण दे नाल हुंदी है। ग्रंथकारां ने विचार दसी है कि जदों तीन चीज़ां कट्ठियां हो जाण उदों बंदे दी मौत हुंदी है। वो तीन चीज़ां केड़ियां देश काल वस्तु। देश दा की मतलब है कि जिहड़ी जगह मनुख दी मौत होनी होवे घर विच होनी होवे हॉस्पिटल दे विच होनी होवे खेतां दे विच होनी होवे रस्ते दे विच होनी होवे जिहड़ी जगह परमेश्वर वाहेगुरू ने नियत कीती होई है वह जदों जगह आ जावे ते दूसरा है काल समा जदों वह समा आ जावे ते तीसरी जिहड़ी चीज़ है वह है वस्तु जिहड़ी वस्तु दे नाल साड़ी मौत होनी है साड़ी मौत एक्सीडेंट ना होनी है जां बीमारी दे नाल होनी है जां किसे प्रकार करके भी होनी है वह जिहड़ी वस्तु है जदों वह आ जावे तीनों चीज़ां जदों इक्के समय इक्को जगह इकट्ठियां हो जान उदों मनुख दी मौत हुंदी है। पर वह जिहड़े वाहेगुरू जी हन उन्हां दी बाबत आपां बचन सुने ने कि अकाल मूरत वाहेगुरू दी जिहड़ी हस्ती है वह समय तो रहत है। आपां जिहड़े मनुख हाँ आपां समय दे अधीन आउणे आ समय दे अधीन दे लई सब तो सामने जिहड़ी उदाहरण है कि असीं रात ते दिन दे अधीन आ रात नूं सौं जाने आ सवेर वेले कम धंधे करदे आ समां पा के असीं बचपन दे विच हुन्ने आ समां पा के असीं जवानी विच हुन्ने आ
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਈ ਦਾ ਅਰਥ ਈਸ਼ਵਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤੋਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੀਬਾਣ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
आम करके बहुत ज़्यादा विरोध कई बार प्रचारक करते हैं कि इस दे कोई अर्थ होर बनते ने। यह नहीं कहना चाहिए कि ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की है। देखो वो तो परमेश्वर वाहिगुरु के वलों पैदा कीतियां हुई शक्तियां ने। जिमें कोई एक मुखिया हुंदा है, मुखिया सारे काम आप थोड़ी करता हुंदा है, वो अगे बंदे रखता है काम कार करन दे लई। पर जिहड़ा हुक्म है ये मुखिए दे चलता हुंदा है। उसे प्रकार सतगुरु जी आखरे ने कि जिव तिस भावै तिवै चलावै। जिमें वाहिगुरु जी नूं पाउंदा है, वाहिगुरु दे हुक्म दे अनुसार ही ये तीनों जिहड़े देवते ने ये सृष्टि की जिहड़ी कार है कम है इस नूं चलाउणा करदे ने। जिव होवै फुरमान, जिमें वाहिगुरु का फुरमान हुंदा, जिमें वाहिगुरु का उपदेश हुंदा है, जिमें वाहिगुरु का हुक्म हुंदा है, उसे प्रकार ही ये तीनों देवते इस सृष्टि नूं चलाउणा करदे हन। ते इदां सतगुरु जी आखण लगे कि ये जिहड़ी सृष्टि की उत्पत्ति है पैदाइश है वो होना होई है। ओह वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो विडाण। सतगुरु जी आखण लगे कि ओह वेखै, वो जिहड़े वाहिगुरु जी हन ये सारी सृष्टि के कार कम्मां नूं जां इन्हां देवतियां दे कम्मां नूं वेख रहे ने, पर उना नदर न आवै। इस सृष्टि दी जिहड़े दुनिया दे लोक ने ते देवते ने उन्हां नूं वाहिगुरु नज़र नहीं आउंदा। भाव आप वाहिगुरु सब संसार नूं साज करके पैदा करके वेख रहा है, पर वाहिगुरु जिहड़ा पैदा करन वाला है वह किसे नूं नज़र ही नहीं आ रहा। बहुता एहो विडाण, ये बड़ा हैरान करन वाला एक आश्चर्य कौतक है। क्योंकि जिहड़े संसार दे अंदर जिन्ने भी पैदा करन वाले लोग ने, कोई घड़े बनाउन वाला कुम्हार है, होर भांडे बनाउन वाले ठठियारे ने, इसे प्रकार लक्कड़ आदिक दा काम करन वाले लक्कड़ वाले ने, मिस्त्री ने, होर कई प्रकार ने, वो सृष्टि नूं अपनी चीज़ कोई बना करके सानू दिसदे ने कि आ काम फलाने बंदे ने कीता है, वो फलाने मिस्त्री ने कीता है। पर ये कहंदे कि जिहड़ा एडी सृष्टि नूं पैदा करन वाला वो वाहिगुरु है, इन्हां प्रतख अखां दे नाल नदरी नहीं आउंदा। क्यों नहीं आउंदा? क्योंकि साडियां अखां दे अगे अग्ञानता दा पर्दा पिया होया है। असी अपने आप नूं एक सिर्फ अग्ञानी जीव समझिया होया है। कोई एक साधु फकीर महात्मा बड़े लंबे समय के बाद लिखे हुए बचना दे अनुसार 12 साल बाद बड़ी उन्होंने तपस्या की, कल्या रह करके भोरे दे विच जा करके 12 साल तपस्या करन तो बाद जदों बाहर आए ते बाहर जेड़े उन्हां दे लोग इंतजार कर रहे सन, उन्हां दे सेवक, उन्हां दे उपाशक, उन्हां ने आखिया कि साधु महात्मा जी तुसी बड़ी तपस्या कीती है, वाहिगुरु नूं पाया है, वाहिगुरु नूं देखिया है, साडे लई कोई उपदेश दिओ, तुसी बड़ी भारी तपस्या कीती है, इन्ने समय दे अंदर जो तुहानू कोई ज्ञान होया है उन्दा सानू कोई निचोड़, सानू कोई विचार, कोई सिद्धांत सानू दसना करो। ते साधु महात्मा आखन लगे कि समझण वाली गल सिर्फ इको ही है। वो की है कि धार्मिक दुनिया दे विच
जिस मनुख नूं जिन्ना भी ज्ञान है जे वह अपने ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जिउणा शुरू कर देवे तां वह मुक्त हो सकता है। गल समझण दी इन्नी है, भाव की है इस गल दा कि जिवें आपां जिन्ने भी इस संसार दे विच मनुख रहने आ, कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसने धर्म नाम की कोई चीज़ ना सुनी होवे। सारिआं नूं पता है कि एक धर्म भी हुंदा है, सारिआं नूं पता है कि वाहिगुरू भी है, क्योंकि तुसीं सोच के वेखो जिहड़े लोग ये आखदे आ कि परमेशर है नहीं, ये गल उस लई आखी जाती है जिहड़ी चीज़ होवे, जिहड़ी चीज़ कदे संसार दे विच है ही नहीं, जिहड़ी चीज़ पैदा ही नहीं होई, उस दी आपां गल किवें कर सकते हैं। मन के चलो भी जिहड़ियां जिन्नियां भी संसार दे विच चीज़ां पैदा होईयां ने, आपां उन्हां दी गल क्यों करते हैं, उन्हां बारे आपां नूं क्यों पता है, क्योंकि वह चीज़ा इस दुनिया दे विच मौजूद ने। ते जिहड़ी चीज़ इस संसार दे विच है ही नहीं, जिहड़ी पैदा ही नहीं होई, उस दी आपां गल किवें कर सकते हैं। उस दा ना सानूं नाम पता होना है, ना साडे चित चेते होनी है कि कोई ऐसी चीज़ भी होनी है। सो इस लई जिहड़े परमेशर वाहिगुरू दे लई आपां ये गल करदे हां कि वाहिगुरू है नहीं, आपां ये गल किवें शुरू होई। जे कोई परमेशर नाम की चीज़ है ताही उस दा विरोध करन वाले ये गल आखदे आ। सो इत्थों सानूं समझना चाहीदा है। तो वह साधु महात्मा आखण लगे कि मनुख नूं धार्मिक दुनिया दे विच जिन्ना भी ज्ञान है, थोड़ा है, बहुता है, दरम्याना है, जिन्ना भी ज्ञान है, जिन्ना भी पता है, उस पते दे अनुसार ही जे मनुख धर्म दी दुनिया ते तुर पवे तां वह मुक्त हो सकता है। वह किवें, जिवें आपां सब नूं पता है ये तां कोई दुनिया दे विच नहीं मनुख होना कि जिन्हों ये अपने अंदर ना पता होवे कि मैं भी एक दिन मरना है। ये आपां नूं सारिआं नूं पता है, भावें आपां उस गल नूं बाहरी तौर ते कबूल करिए जां ना करिए, पर अंदर साडे मन दे विच ये तां एक डर बैठा ही हुंदा है। ते इस तों अगे सानूं ये भी पता है कि नाम जपण तों बिना छुटकारा नहीं है, पर जिहड़ा साडा मन है असीं इस दे मगर लग के बाकी सब कुछ करदे हां। हुण जिहड़े लोग शराब पींदे आ, शाम वेले शराब पीण तो सवेरे ये प्रण करदे आ कि आखिर जिहड़ा पापी बंदा हुंदा है वह पाप करके सुखी नहीं हुंदा कि उहनू पाप करन दे विच कोई खुशी मिलती है, असल विच हुंदा वह भी दुखी है कि मैं बड़े पाप करदा, पर वह आदत तो मजबूर हुंदा। उसका जिहड़ा ये मन है ये बनी हुई आदत दे अनुसार उस दे कोलों माड़े कर्म कराउंदा वा। आपां नूं पता है कि जे बीड़ी सिगरट पीवांगे तो उस दा नुकसान है, जे शराब पीवांगे तो उस दा नुकसान है, पर फिर भी साडा जिहड़ा मन है ये बनी हुई आदत दे अनुसार साडे कोलों माड़ा कर्म कराउंदा है। सो इस लई सानू अंतर आत्मे ये सब नू पता है कि नाम जपण दे नाल छुटकारा होना है। वो चाहे आपां किसी कथा दे विच सुनिया होवे, पाठ दे विच सुनिया होवे, ये सानू सब नू पता है। ते इस दे अनुसार जिहड़े वो महापुरखां दे बचन ने कि जिन्ना भी किसी मनुख नू ज्ञान है, जरूरी नहीं कि धर्म की दुनिया के उपर मार्ग के उपर चलण के लिए बहुते ज्ञान बहुते ग्रंथा नू पढ़ना पैंदा है। सतगुर साहबान जी की पावन गुरबाणी का वाक है
कि मन समझावन कारणे कछुअक पढ़िए ज्ञान। थोड़े मात्र ज्ञान चाहिदा है मन नू समझाउण दे लई। जे असी समझाउणा होवे, क्योंकि जे असी समझना होवे ते जेड़ी आपां शराब दी बोतल खरीददे आं उन्दे उपर लिखिया हुंदा कि शराब सेहत लई हानिकारक है। हुण जे इसने समझना होवे ते ओह जेड़ी लिखी होई पंक्ति है उस नू पढ़ के समझ सकदा है, ते जिस ने नहीं समझना उस नू चाहे शराब दे सारे माड़े जेड़े अवगुण ने ओह गुणा दो, उन्हें तां वी नहीं समझना। सिगरट दे जेड़ी डब्बी हुंदी है उस उपर भी लिखिया हुंदा कि सेहत लई हानिकारक है, ये कैंसर का कारण बनती है। सो इस लई ओ साधु महात्मा दी जेड़ी गल नू स्पष्ट करिए कि उन्होंने ये गल आखी सी कि जिन्ना भी मनुख नू ज्ञान है, जिन्ना भी कोई तजर्बा है, उस तजर्बे दे अनुसार उन्हों ही मन लवे ते मनुख मुक्त हो सकता है। ये हुण आपां सारिआं ने अपने उपर भी लागू करना है। ओह किवें करना है, जिवें आम करके जदों भी किसे नूं आखीए कि भाई केस रखो, ते साडा एक की बहाना हुंदा कि जदों किरपा हो गई। ये किरपा होनी किवें आ, जाने कि पहला किरपा होवे फिर असी केस रखांगे। आपां की परमेश्वर दे नाल कोई सौदाबाजी करनी है कि जिवें आपां संसार दे विच व्यापार करदे हाँ कि कोई बंदा सानू पहला पैसा देवे फिर आपां उस नू कोई चीज़ दिंदे हाँ। परमेश्वर दे नाल कादी सौदाबाजी है? जे परमेश्वर दी किरपा होई है ते आपां इस संसार ते आए हाँ कि किरपा तो बिना ही आ गए। जे वाहेगुरु की कृपा हो रही है तां बिना किसी तार तो साडा शरीर चल रहा है। जे कृपा हुई है तां ही साडे साह चल रहे ने, ये कृपा तो बिना थोड़ी चल रहे है। जिस दे उपर कृपा खत्म हो जावे उस दे अंदर ते एक पानी का घुट भी नहीं जाता, उदों आपां कह सकते हैं कि हजे साडे ते कृपा नहीं हुई। पर उदों फिर कहण वाला नहीं बचदा, उदों फिर समा नहीं हुंदा। सो इस लई ये बड़े वजनदार वचन ने जे इन्हां नूं समझना होवे कि जिन्ना भी ज्ञान है जे उन्ना ही मन लईए ते आपां तर सकदे हां। सो इस लई आपां ये जतन करिए कि सतगुर साहिबान जी नूं हाजर नाजर जाण करके इन्हां बहानियां तो बच करके गुरु के लड़ लगीए, केसा धारी होइए, बाणी बाणे दे नाल जुड़िए। आउण वाली विसाखी इस नूं अपने मन पक्के करके गुरु के जहाजे चढ़िए। आपां पढ़दे तां सारे है ही हैं ना कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ये सिर्फ कहण मात्र नहीं है, फिर वो गल वही आ जाती है कि जिन्ना भी ज्ञान है, हुण आपां सारे ये पढ़ते हाँ, कोई सिख इदां दा नहीं होना कि जिन्हों इस पंक्ति दे अर्थ ना पता होण कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ते ये जिहड़ा नाम दा गुरु नानक साहिब महाराज जी दा जहाज है, इस ते चढ़न वाले कितों बाहरों थोड़ी आउणे आ। जिहड़े आपां पढ़ रहे हाँ आपां ही हाँ, आपां ही आखदे हां कि असीं गुरु नानक साहिब महाराज जी दे सिख हाँ। सो इस लई जिहड़ियां ये मन दियां जिहड़ियां चतुराइयां ने कि मन साफ होना चाहीदा है, आपां गुरु दे सामने खड़ के केस कटवा के कन्ना नूं बना करके ये किवें आख दिंदे हां कि असीं गुरू वाले हाँ, असीं गुरू के सिख हाँ। जिहड़ी गल तों गुरु रोकदा है जे असीं ओह करदे हां ते असीं कादा प्रेम करदे हां। प्रेम दी पहली निशानी हुंदी है, एक विद्वान लिखदा है कि प्रेम प्रेम सब को कहै, प्रेम न जानै कोय, आठ पहर भीना रह प्रेम कहावै सोय। प्रेम दी परिभाषा लिखदा है एक कवि
कि प्रेम किस नूं आखदे आ। कहिंदे प्रेम प्रेम सब कुछ आखदा है कि मेरा गुरु दे नाल मेरा परमेश्वर दे नाल बड़ा प्रेम है। पर प्रेम हुंदा की है? आठ पहर पीना रह, अठे पहर अपने प्यारे दी परमेश्वर दी याद दे विच भिज्जिया रहना प्रेम कहावे सोए, वह प्रेम हुंदा। प्रेम दा जिहड़ा अखरी अर्थ है वह है प्रेम मैं तो परे होना, अपना वजूद छड्ड देना। कि मेरा मन की कहिंदा है इस गल दी परवाह ना करनी, गुरु जी की आंदे आ, परमेश्वर वाहिगुरु दा की हुक्म है उस नूं कबूल करना। सो इस प्रकार सतगुरु साहिबान जी पावन बचन उचार रहे ने कि वाहिगुरु सारी सृष्टि नूं पैदा करके वेख रहा है पर वाहिगुरु किसे नूं नदरी नहीं आउंदा, ये बड़ा हैरान करन वाला कौतक है। आदेश तिसै आदेश, असीं उस वाहिगुरु नूं ही मन बाणी शरीर करके नमस्कार करदे हाँ। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, ओ वाहिगुरु जी सब दे मुढ रूप ने, गिनतियां तो रहत हन ते सब दे सब नू पैदा करन वाले ने, पर आप ओ अनाद ने, आप उन्हां दा जिहड़ा मुढ है जिहड़ा शुरुआत है वह पता नहीं है। ते अनाहत नाश तो रहत हन, सारे समयां दे अंदर परमेश्वर वाहिगुरु दा इको जिहा जिहड़ा सरूप है वह रहना करता है। सो इस प्रकार कथा विचार करदियां तो हुईयां बेअंत भुलां दी खिमा आप संगत सतगुरु साहिबान जी बख्शन योग हन बख्श लैणा जी। अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के अरदास विच जुड़ना करिए जी। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।